जयगांव में डेंगू को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयगांव के एक गैरेज में ताला जड़ दिया गया। यह अभियान एडीएम जेडीए के एईओ पीडी भुटिया एसएसबी 53वीं वाहिनी के जयगांव इंचार्ज नीरज कुमार जयगांव ग्राम पंचायत के प्रधान पूर्वा लामा जयगांव पुलिस आदि के अगुवाई में किया गया। जयगांव में महामारी के रूप ले चुके डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार जयगांव में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जेडीए ग्राम पंचायत विभिन्न संघ संस्था के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयगांव में साप्ताहिक डोर टू डोर कैंपिंग चलाया जा रहा है। इस साप्ताहिक डोर टू डोर कैंपिंग के दौरान जयगांव के विभिन्न इलाकों में जाकर घर एवं बाहर जमा पानी को साफ किया गया और लोगों से घर के भीतर और बाहर सफाई रखे जाने की अपील की गई। इस दिन अभियान के दौरान जयगांव के सुजना टोल स्थित लवली टायर के गोडाउन में सीक्रेट अभियान चलाया गया। यहां बड़े बड़े टायर रखे हुए थे जिसके भीतर पानी जमा हुआ था और उस पानी में डेंगू के लार्वा मिला। इस दौरान इस टायर दुकान में ताला लगा दिया गया और जेडीए विभाग ने टायर दुकान मालिक को बुलाकर चेतावनी पत्र देकर उन्हें 18 सितंबर के भीतर जवाब देने को कहा गया। दुकान मालिक की ओर से उचित जवाब नहीं मिलता है तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जनहित के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। এর বা এর আগেও আপনাদের বাড়ি